आइए हम आज का वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 127 का पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ ही है। प्रेज द लॉर्ड। यह भजन सुलेमान ने लिखा था। हालेलुया। आज हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर की जो रक्षा है, परमेश्वर की सुरक्षा है, वह हमारे जीवन में कितनी वैल्यू रखती है। हालेलुया। हम सुरक्षा को समझते क्या है, लेकिन उससे पहले जानने की जरूरत है कि हम हैं कौन, परमेश्वर ने हमें किसके लिए चुना है। कभी आपने सोचा है? देखिए, पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे और जानेंगे तो परमेश्वर ने आपको भक्त बनाने के लिए नहीं चुना है। हेलो, अगर आप उसके भक्त बनना चाहते हैं तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर आपको भक्त बनाना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको पुत्र बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसकी भक्ति करने में सबसे आगे रहते हैं। यीशु 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 महान है, यीशु महान है, यीशु अपरंपार है, यीशु की महिमा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें भक्त बनाना नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है तुम मेरे पुत्र बनो ताकि तुम मेरे मन की बात जानो और मेरे साथ काम करो। प्रेज द लॉर्ड। समय बहुत कम है और यीशु आने वाला है। हालेलुया। जिस तरीके से स्वर्ग का अधिकारी परमेश्वर है, धरती का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसकी योजना को समझकर, उसके मन को समझकर, उसके वचनों को जानकर, उसके प्रकाशन को जानकर उसके अनुसार काम करें ताकि उसका राज्य आए। जैसी इच्छा उसकी आपका आपका स्वर्ग में पूरी होती थी, वैसी इच्छा उसकी आपका धरती पर पूरी हो। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई है, लेकिन वो इच्छा कैसे पूरी होगी? जब हम उसके साथ चलेंगे। इसलिए उसने हमें भक्त होने के लिए नहीं चुना है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें पुत्र होने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहां पर यह वचन कहता है कि जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। हम किस रक्षा की बात करते हैं? हमारे जीवन में रक्षा की क्या अहमियत है? आप अपने काम की रक्षा चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। समाज से हमारी रक्षा हो, दुश्मन से हमारी रक्षा हो, काम में हमारी रक्षा हो, मेरे बच्चों की रक्षा हो, मेरे रिश्तों की रक्षा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि जो दिखता है वो आपके लिए बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन असल में कौन सी रक्षा की बात हो रही है यहां पर? परमेश्वर कौन सी रक्षा चाहता है? परमेश्वर आपको वो सुरक्षा देना चाहता है जो शैतान से है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका पड़ोसी नहीं है। आपका जो काम करने वाला आपका जो साथी है वो भी नहीं है। आपका जो बिजनेस में आपका पार्टनर है वो भी नहीं है। आपका दुश्मन है शैतान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं यहां पर वो रक्षा, वो कहता है कि अगर तुम परमेश्वर का साथ नहीं लोगे, अगर परमेश्वर को नहीं जानोगे तो तुम पूरी तरीके से संपूर्ण सुरक्षित महसूस नहीं करोगे। इसलिए आज हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, फिर भी आज बिजनेस की सुरक्षा नहीं तो हमारे बच्चों की सुरक्षा का चिंता आती है। कहीं ना कहीं कोई चिंता हमारे जीवन में लगी रहती है क्योंकि हम सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो शैतान है उसको हम देख ही नहीं रहे। जो आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन कौन है? शैतान है। पहला पत्रस 5:8 पढ़िए। आपका दुश्मन कौन है? शैतान है। वो आपको दिख रहा है? प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है उसे आप देख ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे रक्षा करेंगे? अपनी रक्षा कर पाएंगे आप? आपको पता ही नहीं ना कि आपका दुश्मन कहां से आपको वार करेगा, क्या वार करेगा, आपकी कौन सी कमजोरी को वो जानता है? आपको नहीं पता। शैतान आपकी हर कमजोरी को जानता है। वो जानता है किस फील्ड में आप कमजोर हैं, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, कौन सी चीज, पैसा, नाम, शोहरत,
ये कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप बहक सकते हैं, वो जानता है। हालेलुया, इसलिए वो कहता है सचेत रहो और जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। यहां जागना शब्द शरीर का नहीं है मेरे भाई, आत्मा में जागते रहो, आत्मिक रूप से जागते रहो, सचेत आत्मा में रहो, अलर्ट आत्मा में रहो, आत्मिक रूप से अलर्ट रहो। प्रेज द लॉर्ड। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हेलो, किस खोज में रहता है कि तुम कब कमजोर बनते हो, कब तुम गलती करते हो, कब तुम वचन से दूर होते हो, कब तुम वचन पे नहीं चलते हो, कब तुम संसार में चले जाते हो। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जो तुम्हें शैतान, जो तुम्हें प्रभु से दूर दूर करती है। इसलिए वो कहता है कि मेरा रक्षक कौन है। बाइबल क्या कहती है, हमारा रक्षक कौन है। हेलो, मुझसे बात करिए, कौन है हमारा रक्षक, कौन है हमारा रक्षक, कौन है हमारा रक्षक। क्यों कहा गया है कि हमारा रक्षक यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। जानता है, जानते हैं आप कि असल में हमारा रक्षक परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शैतान को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर शैतान की हर गतिविधि को देखता है। आप नहीं देखते हैं शैतान को, आप अपने दुश्मन को नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपके दुश्मन को देख पा रहा है। इसीलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे दुश्मन को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता, मैं तेरा हाथ थामे हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है, मेरे साथ रहे, मेरे पंखों के तले छुपके रहे मेरे बच्चे, जो मैं कहता हूं उसको सुन और जो मैं कहता हूं उसको समझ के कर, तब तू बच जाएगा, तब तू बचेगा। किससे? शैतान से। क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर की नाई, वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। और कैसे देख रहा है? हेलो, सिर्फ पंजाल भाड़ने के लिए नहीं, फाड़ खाने के लिए। शैतान आपको क्या चाहता नष्ट करना, पता है आपको? आपकी आत्मा। उसको आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसको आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप सच धज कर आते हैं कलीसिया में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, हालेलुया, बाले उले सवार उवर कर, हालेलुया, शरीर को मस्त आप कर लेते हैं कि हम कलीसिया जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी भी जाने तो हम जा कर रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं भाई सुबह सुबह। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मा तैयार नहीं होती है, आत्मा को भोजन नहीं देते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको रक्षा कब मिलेगी? जब परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपके साथ, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है भजन संहिता 91 का 15वां, कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या कहता है वो? कि भजन संहिता 91 का 15, कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। उसका वादा है, उसका वादा है। और परमेश्वर संकट लाने वाला नहीं है, परमेश्वर संकट नहीं लाता। अगर परमेश्वर संकट लाता तो वो क्यों कहता? परमेश्वर की ओर से संकट नहीं आता। ये बड़ी हमें गलत फहमी है कि हम समझते हैं कि हमारे जीवन में संकट परमेश्वर ला रहा है। नहीं, हाँ, वो कभी कभी परीक्षाओं में हमें डालता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप और मजबूत बने, आप और शक्तिशाली बने, आप उसको समझें। देखिए, परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि हम उसको समझें। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कितने लोग उसकी इच्छा से प्यार करते हैं? उसकी इच्छा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसकी इच्छा से प्यार करते हैं ना मेरे भाई, हमारा जीने का तरीका अलग होगा, हमारे जीने का तरीका अलग होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, इसलिए वो कहता है संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या कहता है? जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और क्या करूंगा? उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसको बचाकर। हेलो, क्या कहता है? मैं उसको बचाकर, मैं अपने बच्चे को बचाकर महिमा दूंगा उसको। हालेलुया, कितना प्यारा परमेश्वर है। पहले उसने आपको पवित्र किया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, आपको शुद्ध किया, आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपको नया मन दिया और अपनी आत्मा आप में डाली। और फिर वो कहता है कि मेरा बच्चा अगर संकट में पड़ेगा तो उसको बचाऊंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, महान है पिता परमेश्वर। इसलिए वो कहता है, याकूब कहता है 1 का 2 में कि जब आप विभिन्न परीक्षाओं में पढ़े तो इसे आनंद की बात समझे। हालेलुया, हमारी नौकरी का जाना परीक्षा नहीं है, आनंद है। प्रेज द लॉर्ड, बिजनेस का बंद होना परीक्षा नहीं है, आनंद है। आपका कौन साथी है? परमेश्वर। संकट में कौन साथ रहेगा? परमेश्वर, वो रचयिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसने इब्राहिम से कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, तब तू सिद्ध होगा। अगर तू मेरी उपस्थिति में नहीं चलेगा तो तू सिद्ध नहीं होगा। हालेलुया, वो कहता है जब आप नाना प्रकार विभिन्न परीक्षाओं में पढ़े तो इसे आनंद की बात समझिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जब आप विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप में धीरज उत्पन्न होगा और वो धीरज आप में विश्वास पैदा करेगा। आप ऐसे विश्वास के योग्य हो जाएंगे मेरे भाई, तब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कोई है। हालेलुया, आज महसूस करते हैं आप? अगर आप महसूस नहीं करते हैं तो आप खतरे में, आप खतरे में। अगर आपका उद्धार हो गया है, आपका उद्धार है? कितने लोग का उद्धार हो चुका है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरीके से एक गर्भवती औरत महसूस करती है जिस दिन बच्चे का बीज उसके अंदर आता है, वो महसूस करती है मेरे अंदर कोई है और उसका जीवन बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस बहन का जीवन बदल जाता है, उस बच्चे के लिए जीती है, उस बच्चे के लिए सोती है, उस बच्चे के लिए उठती है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी तरीके से हमारा जीवन भी जिस पल उद्धार का बीज हमारे अंदर आया, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अब हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें उस उद्धार को संभालना है, उस उद्धार की रक्षा करनी है। जब आप उस उद्धार की रक्षा करेंगे मेरे भाई, आपके जीवन की रक्षा पिता करेगा। आपके जीवन की रक्षा पिता करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मिला है उसको संभालिए। अब आपको मिला क्या है यह जानने की जरूरत है। हम लोग जानते नहीं कि हमें मिला क्या है। आपको जो मिला है उसकी कीमत क्या है आप नहीं जानते। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा जो आपको दिया है, अपनी धार्मिकता दी, उसकी कीमत नहीं जानते आप। जिस दिन आप उसकी कीमत जानेंगे मेरे भाई, उस दिन आप आहें नहीं भरेंगे, दोष नहीं लगाएंगे कि आज धंधा कम हुआ, काम कम हुआ, नौकरी छूट गई, महंगाई बहुत हो गई। उसके बाद आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप उस कीमत को जान जाएंगे जो आपको मिला है। मेरे भाई, जो परमेश्वर ने हमको दे दिया है ना, उसके बाद भी अगर वो हमें कुछ भी ना दे तो भी उसका धन्यवाद, तो भी उसका धन्यवाद। वो हमें स्वर्ग का अधिकारी बना चुका है, हमें आशा है, हमारे ऊपर छाप लगी हुई है उस आत्मा की, हमें छाप लगाइए कि हमें वो लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना ये खजाना है हमारे पास।
इसलिए हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, रोटी मिले ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। आपका आनंद नहीं जाना चाहिए, आपका आनंद हमेशा बने रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका आनंद जाता है मेरे भाई और आप मायूस और दुखी होते हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो है उसकी कीमत आपको नहीं पता। आपके जो अंदर है मेरी बहन, उसकी कीमत आपको नहीं पता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। छोटी सी चीजें हमें हिला देती हैं, छोटी सी चीजें। हम नई सृष्टि में, हम नए हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। वो नई बातें कौन सी हैं? उसका राज्य, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत 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 आशीषित हैं मेरे भाई। इसलिए वो कहता है कि अगर तू उसकी शक्ति को, उसकी कीमत को जो तुझे मिला नहीं जानता, तो तू अपने आप कितने भी घर बना ले, कितने भी महल बना ले, ताजमहल बना ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तेरा महल बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर तेरा झोपड़ा परमेश्वर ने बनाया है तो वो भी महल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तेरे झोपड़ा परमेश्वर ने बनाया है तो वही महल के योग्य है, महल के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तेरा जो दुश्मन है वो शैतान है। इफिसियों 6:12। हमारा दुश्मन शैतान कैसे है, समझने की कोशिश करिए। देखिए इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारे यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, इसलिए हमारा जो दुश्मन है वो दिखने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा मलयुद्ध आकाश में उन आत्मिक दुष्ट सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आपको नहीं दिखती है। इसलिए उनसे लड़ने के लिए आपको प्रभु की जरूरत है। इसलिए वो कहता है कि जब तक यहोवा ही रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। आप कितने भी पहरे अपने आसपास लगा लें, कितने भी कवच पहन लें आप, लेकिन अगर परमेश्वर का आशीष आपके साथ नहीं है ब्रदर, तो आप जी नहीं पाएंगे। कि वो आत्मिक सेनाएं, वो दुष्ट आत्मिक सेनाएं अंधकार की, वो आपकी दुश्मन है। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबसे बड़ा ये सोचिए कि आपका दुश्मन कौन है, और ये दुश्मन आपको फाड़ खाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। वो चाहता है मैं हमेशा तेरे साथ रहूं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है नीति वचन 4:20-23 के बीच में, नीति वचन 4:20-23 के बीच में पढ़िए बेटा। या नीति वचन 4:20-23 के बीच में, हे मित्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर उसने क्या कहा? हे मेरे पुत्र, हे मेरे भक्त नहीं का, हे मेरे भक्त नहीं का। हमें उसने भक्त बनाने के लिए नहीं चुना है, हमें उसने पुत्र बनाने के लिए चुना है। अब आप कहेंगे कि पास्टर हम प्रार्थना ना करें, बिल्कुल प्रार्थना करिए, उसकी महिमा ना करें, बिल्कुल उसकी महिमा करिए, उसका आदर करिए, उसके गुण गाइए, उसकी प्रशंसा करिए, लेकिन उसके वचनों पे चलिए। होता क्या है, हम आधा घंटा एक घंटा उसकी स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु तू महान है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, उसकी स्तुति आराधना की और फिर संसार में चले गए, फिर हम संसार की भाषा बोलने लगते हैं, कोई फायदा नहीं। देखिए प्रभु ने कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम 40 दिन उपवास करोगे तो ही मेरे चेले बनोगे। कहा कहीं? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि सिर में तेल बांधकर आप लेटे रहिए, रात को सुबह 4 बजे उठो तभी तुम मेरे चेले बनोगे। लिखा है दाढ़ी उड़ी मत बनाइए, उदास रहिए। कहा है?
उसने कहा है अपना क्रूस उठाओ तो मेरे पीछे चलोगे। उसने कभी नहीं कहा कि दिन भर प्रार्थना करते रहोगे तो ही मेरे चेले हो, लिखा कहीं? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मेरे वचन पे चलो। हालेलुया, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। आपका क्रूस क्या है? आपका क्रूस क्या है? कहीं पता किया आपका क्रूस क्या है? आप समझते हैं कि आपका क्रूस आपका दुख दर्द है? नहीं, आपका क्रूस दूसरे का दर्द। अगर आप दूसरे का दर्द, दूसरे का दुख उठा के चलते हैं, इसलिए वो कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आपका क्रूस क्या है आपको पता होना चाहिए। हमें, हम अपने लिए नहीं है, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। मुझे किस तरीके से दूसरों के लिए जीना है? मेरा प्रभु मेरे लिए जिया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया था वो नियम उत्पत्ति 12:3, जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। ये नियम है, ये कानून है, ये आधार है बाइबल का। हम जब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता, वचन पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। जब आप कलीसिया में आए तो ध्यान दीजिए उसके वचन पर। वो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है? उसके मुख से निकला हुआ हर वचन वास्तविक बन जाता है, उसका सामर्थ्य है उसमें। वो ऐसे नहीं बोलता है। आप जो वचन आज सुन रहे हैं वो ऐसे नहीं कहे गए हैं, इनका मीनिंग है। इसलिए वो कह रहा ध्यान देकर सुन। मेरे जो वचन है, मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। हम यहां बैठे तो हैं लेकिन हमारे कान लगे हुए कहीं और, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों में क्या हो रहा है। नहीं मेरे भाई, यहां पर कान धर के सुन, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे मेरे भाई आपको आशीष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको आशीष। आगे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर। इन वचनों को अपनी आंखों से ओट ना होने दे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब तू इस वचन को अपने मन में ले तो ये तेरे अंदर घूमते रहे, तेरी दृष्टि में रहे, तुझे सिर्फ यही दिखे, वचन ही दिखे और कुछ ना दिखे। प्रेज द लॉर्ड। जब तू इन वचनों से प्यार करेगा, आज आपका बच्चा है, पैदा होता है, आप चाहे कहीं भी जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, कहीं जाएं, आपका बच्चा, आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। हालेलुया, वाह वाह वाह। प्रेज द लॉर्ड। आता कि नहीं आता जिससे आप प्यार करते हैं? हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे वचन तेरी आंखों में आए, तेरी वचन, मेरे वचन तेरी आंखों से ओट ना हो, हमेशा तेरे सामने रहे। मन में धारण कर उसको, संसार को मत धारण कर, मेरे वचन को धारण कर। आगे, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवन जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिनको वो वचन प्राप्त हो जाते हैं उनको जीवन मिलता है, आपके शरीर में चंगाई रहती है हर दिन। देखिए शरीर है, जब आप बढ़ते हैं बीमार भी होता है, हड्डियां कमजोर भी होती हैं, आंखें भी कमजोर होंगी, आपके बाल भी काले से सफेद होंगे, होगा, लेकिन आप हमेशा ही बीमार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिना वजह की बीमारी आ रही है आपको। जब आप परमेश्वर के वचन आपके अंदर होंगे आपके जीवन से बीमारियां निकल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो प्रभु भोज आपने लिया है, जीवन की रोटी, वो क्या है? वचन। जब आप उस वचन को अपने अंदर जीवित रखेंगे
आप में वो सामर्थ्य रहेगा मेरे भाई, आप बोलेंगे। और देखिए, शमूएल बोलता था और काम होता था। बाइबल कहती है कि शमूएल का एक भी वचन जमीन पे नहीं गिरा। पहला शमूएल 3:19 अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि शमूएल का एक वचन भी नीचे नहीं गिरा, जो बोलता था वो होता था। हालेलुया। तो यहां वो कहता है कि मेरे वचन को, जो इन वचनों को अपने अंदर रखते हैं, उनको चंगाई मिलती है और जीवन मिलता है। अगला, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि शैतान तेरे मन को दूषित करना चाहता है। मन की रक्षा कर। यिर्मयाह 17:9 पढ़िए, अपनी आपके मन की रक्षा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आप कर सकते हैं, परमेश्वर आपको बता सकता है क्या गलत है क्या सही है। प्रेज द लॉर्ड। मन की रक्षा हमें ही करनी है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मन की रक्षा सबसे ज्यादा कर, अपने शरीर की रक्षा से, अपनी आंखों की, अपने चेहरे की रक्षा से, अपने मन की रक्षा सबसे ज्यादा कर। क्योंकि यिर्मयाह 17:9 क्या कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और वस्तुएं धोखा देती हैं, लेकिन मन सबसे अधिक धोखा देता है। हालेलुया। इसलिए अगर 7:19 पढ़ेंगे हम, रोमियो 7:19-15 पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका पौलुस कहता है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो तो नहीं करता हूं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है वो करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो नहीं करता हूं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है वो करता हूं मैं। 7:19, रोमियो 7:19, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जानते हैं आपका मन क्या है? आप जानते हैं कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम मन की रक्षा करें? आप जानते हैं कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उन वचनों को अपने मन में बिठा लें, ताकि वो वचन हमारी रक्षा करे मन की। इसीलिए अगर आप इजिकल 36:25-27 के बीच में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके मन को नया कर दिया है, समारा नहीं है, नया किया है, आपको नया मन दिया है। और साथ साथ दूसरा क्रंथी, पहला क्रंथी 2:16 कहता है कि यीशु मसीह का मन भी आपके अंदर है। आपके अंदर कितने मन है? दो। बोलिए, मेरे अंदर दो मन है। मेरे अंदर दो मन है, एक यीशु का मन और एक मेरा शरीर का मन। अब यीशु का मन क्यों है? ताकि यीशु के मन के मुताबिक हमें अपने शरीर के मन को बनाना है। अब ये आपको बहुत कठिन लगेगा और कोई लोग तो समझेंगे कि आप पास्टर बात कर रहे हैं, दो मन कभी ऐसा होता है क्या? हो लगता है, लेकिन बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। Praise the Lord। जब आप विश्वास के चाल चलेंगे मेरी बहन, वचन आपके जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा। जहां आप संदेह लाएंगे शैतान काम करेगा। हमें विश्वास करना है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता कहता है विश्वास करो, और विश्वास से ही वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों 6:11-6 कहता है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा नहीं करता वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता हूं वही करता हूं, क्योंकि बुराई का करने वाला मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, कौन है? वो पाप जो मेरे अंदर है, वो जो शैतान है जो मुझे घूर रहा है, वो मुझसे बुरा काम करवा रहा है। मैं जानता हूं अच्छा काम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर की सुरक्षा, इसलिए वो कहता है कि उनसे, वो जो शैतान है जो नहीं दिख रहा है, उनसे रक्षा आपकी परमेश्वर ही कर सकता है जब उसके वचन आपके अंदर होंगे। इसका 22वां देखिए, 23वां नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23,
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन 127 का दूसरा निकालिए। अब देखिए दूसरा भाग क्या कहता है, 127 का दूसरा, तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को तो यूं ही नींद प्रदान कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जिनसे प्यार करता है ना, उनको यूं ही नींद आ जाती है, सोते ही नींद आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, बाइबल हमें नहीं बताती कि हमें परिश्रम करना है। परिश्रम हमें कब करना पड़ा? जब आदम को परमेश्वर ने शराब दिया, उत्पत्ति 3:17-19, जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चला और परमेश्वर ने उसे शराब दिया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, और वो शराब हम पर आया, इसीलिए हम बिना पसीना बहाए रोटी नहीं खा पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। जिस भूमि से तू उपजा है, तुझे रचने वाली कौन है? भूमि। वो तेरे पाप के कारण शापित हुई हो। आपको पता है धरती आज तक अपने पुत्रों की राह देख रही है। रोमियो 8:19, आज तक, ताकि हम पुत्र बनकर प्रकट हों उसके ऊपर। वो चाहती है पुत्र प्रकट हों, इसलिए वो कहता है तुम पुत्र बनो, पुत्र बनकर रहो इस धरती पर, मेरे पुत्र बनकर रहो। ये जो धरती जो आदम के पाप से श्रापित हुई थी, वो आज भी अपने पुत्रों की राह देख रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। आमेन। रोमियो 8:19, इसलिए सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। वो प्यासी निगाह से देख रही है कब प्रकट होंगे पुत्र, लेकिन हम पुत्र बन ही नहीं रहे। हमें तो संसार चाहिए, यीशु तो मिल चुका है, हमें संसार चाहिए, हमें अपना काम चाहिए। संडे के संडे जाते हैं बहुत है, सुबह आधा घंटा प्रार्थना की बहुत है। पृथ्वी अपने पुत्रों की बाट जो रही है, राह देख रही है, वो दिन कब आएगा जब जो चुने गए हैं वो पुत्र बनेंगे और प्रकट होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3:17 द्वारा निकालिए। इसलिए जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने इसको श्राप दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके पाप करने की वजह से भूमि श्रापित हुई। हालेलुया। जिस भूमि से आदम को रचा था, जिस मिट्टी से आदम को रचा था, आदमा भूमि को कहा जाता है। आदमा, हालेलुया, एक नाम भूमि का आदमा भी है। तो आदमा से आदम पैदा हुआ, इब्रानी शब्द आदमा से आदम। तो आदम भूमि से पैदा हुआ, लेकिन जब उसने पाप किया तो भूमि श्रापित हुई। आगे। और आदम से उसने कहा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये श्राप है, ये परमेश्वर की ओर से श्राप है, क्योंकि आदम ने पाप किया था और वो श्राप आदम की वजह से हम पर लगा कि तू जीवन भर धरती की उपज दुख के संग खाया करेगा। आगे बढ़िए। 18वां, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो भूमि, अगर आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे, अध्याय 2 के आखिर तक पढ़ेंगे, परमेश्वर ने ऊंट कटारे नहीं हमारे लिए उगाए थे, फल लगाए थे, फल के पेड़ लगाए थे। प्रेज द लॉर्ड। कहीं लिखा है ऊंट कटारे लगाए थे? लेकिन चूंकि आदम ने पाप किया, वो भूमि ऊंट कटारे लगा रही है, यानी कि कांटे उगा रही है। प्रेज द लॉर्ड।
यानी कि आपका जीवन आसानी से नहीं, आदम का जीवन बड़ा आसानी से था, उसे करना क्या था, उसको भूमि पर अधिकारी था वो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आपको पसीना बहाना है। आगे, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। Praise the Lord। पसीने की रोटी खाएगा, ऐसे तुझे रोटी नहीं मिलेगी, ये श्राप है। सुबह से शाम तक पसीना, लेकिन वो श्राप कहां खत्म होता है? यीशु मसीह में। जैसे ही हमने यीशु मसीह को पाया, जैसे ही यीशु मसीह ने लहू बहाया, वो अधिकार, वो श्राप यीशु मसीह ने खत्म किया, और वो अधिकार जो आदम का था वो हमें मिल गया। लेकिन मेरी बहन, उस अधिकार का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम उस अधिकार का हम कब उपयोग करेंगे? जब हम उसके पुत्र बनेंगे, जब हम उसके पुत्र की तरह रहेंगे। आपको काम करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप उसकी सेवा करिए। हम दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, उसकी नहीं। बड़ी अचरज की बात है, हम इतना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, बाप रे, हालेलुया। लेकिन हम पुत्र नहीं बनते। आमीन। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तू क्या खाएगा, तू कहां रहेगा, तू कहां क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। Praise the Lord। मेरी धार्मिकता पर चल, मेरे राज्य को खोज, ये सारी चीजें तुझे दे दी जाएंगी, सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। हालेलुया। Praise the Lord। हम उसको राज्य को खोजते हैं, हम समझते हैं कोई राज्य एक दरवाजा है, ये खोलेंगे हमें मिल जाएगा। क्या कह रहा है? 33:6 मती, उसके राज्य की खोज कर। कहाँ है उसका राज्य? आपके अंदर है, आपके अंदर उसको खोजिए। हम बाहर खोजते, हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं और हम नहीं पाते, क्योंकि बाहर है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, वचन समझना बहुत जरूरी है, और जब तक समझेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे आप? इसलिए वो कहता है कि अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। इसलिए लूका 5:4-5-6, पतरस रात भर मछलियां पकड़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मछलियां पकड़ रहा था कि नहीं पकड़ रहा था? लूका 5:4-5-6 पढ़िए, चौथा पढ़िए जल्दी से। जब वो बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आगे सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता शमौन पतरस? मैं रात भर पसीना बहाता रहा, रात भर मेहनत करता रहा, कुछ नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। यही होता ना हमारे जीवन का, हम जिंदगी भर मेहनत करते रहे, 50 साल हमारे जीवन के कट गए, हमने क्या पाया? अगर आप पीछे देखेंगे मुड़के, आपने 50 साल गुजार दिए, क्या पाया, क्या पाया आपने? जो कमाया, खाया, कुछ कर्जा हुआ, क्या खाया, क्या है? हम रात भर हम मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी भर मेहनत करते रहे हम। Praise the Lord। पसीना बहाता रहा मैं रात भर, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। लेकिन अब तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालता हूं। जिस पल पतरस ने प्रभु के वचन पे चलने के लिए मन में ठानी, जिस दिन आप मेरे भाई ठान कर लेंगे ना उसके वचन पे चलने की, नहीं कि अब मैं उसके वचन पे चलूंगा, मेरा नुकसान हो तो नुकसान हो, 1,000 का नहीं करोड़ों का नुकसान हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको नुकसान हो, लेकिन अनंत में आपको सुख ही मिलेगा। सुखी मिलेगा आपको।
आपके जीवन में कष्ट नहीं है? हम डरते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा धंधे का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा? अरे मेरे भाई, वो है, उसी ने आपको बच्चे दिए हैं, आप कहीं से लेकर नहीं आ गए, उसी ने आपको अपनी पत्नी दी है, और वो कह रहा है मैं हूं। इसलिए वो कहता है मुझे रोज की रोटी दे, कहता है अपने चेलों से, प्रार्थना कर, रोज की रोटी मांग, महीने भर की रोटी मत मांग, रोज की रोटी मांग। लेकिन हम रोज की रोटी मांगते नहीं, आगे आने वाले साल की रोटी दे दे मुझे, तब आज मुझे अच्छी नींद आएगी, साल भर की रोटी, हाँ आने वाली पीढ़ी की भी दे दे, तब मैं समझूंगा कि तू यीशु है, अरे तब मैं समझूंगा कि तूने मुझे चुना है। नहीं भैया, नहीं, प्लीज हम उसकी परीक्षा ना लें, विश्वास करें। मैं बॉलीवुड से आया हूं, 6-7 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, कई सीरियल्स मैंने डायरेक्ट की हैं, उसके पहले मैं दूरदर्शन पे अनाउंसर था, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में मैंने अनाउंस किया है, लाखों कमाता था परमेश्वर के आशीर्वाद से, लेकिन जैसे ही प्रभु ने चुना सब कुछ छोड़ दिया मैंने और प्रभु की सेवा के लिए आ गया हूं। और मैं बहुत आशीषित हूं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है ब्रदर। मैं कहीं भी क्रूसेड पे मुझे बुलाते हैं, आई डिडंट वांट एनीथिंग। मैं कहीं भी मुझे बुलाते हैं प्रचार के लिए, मैं कहीं कुछ नहीं मांगता हूं। अभी भी कोल्हापुर गया, मैंने उनसे कहा देखिए मैं ट्रेन में आता हूं, नहीं 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 फ्लाइट का टिकट भेजा, मैं बोल रहा हूं कि प्लीज मैं ट्रेन से आ जाता हूं, फ्लाइट में पैसे कट, नहीं 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 पास्टर ना प्लीज फ्लाइट। आप नहीं जानते आप किसके पुत्र हैं, आप नहीं जानते आप कौन हैं, आप किसके वचन बोल रहे हैं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप नहीं जानते, आपके घर में कोई कमी घटी हो ही नहीं सकती है, आप प्रभु के वचन पर चल के तो देखिए। आप डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, इसलिए शैतान काम करता है। हालेलुया, नहीं, हम परमेश्वर के, उसका वचन आपके ऊपर से शराब क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि आप संसार को नहीं छोड़ रहे और इसलिए आप पसीना बह रहे हैं। मसीह होने के बाद भी आप पसीना क्यों बह रहे हैं, क्योंकि आप संसार में हैं। आप पूरी तरीके से मसीह बनिए, आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। मैं पसीना नहीं बहाता हूं, मैं पसीना नहीं बहाता हूं मेरे भाई, मैं प्रभु की सेवा करता हूं और बहुत आशीषित हूं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का हर पल हर क्षण, और ईमानदारी के साथ सेवा करता हूं, कोई स्वार्थ नहीं रखता। मेरे कलीसिया में हर आदमी जानता है मैंने एक भी स्वार्थ का रिश्ता किसी से नहीं रखा हुआ, एक भी स्वार्थ मुझे नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप बनिए ना लोगों के लिए आशीष का कारण, उसके वचन पे चलिए ना, फिर देखिए उसका वचन कैसे काम करता है। हम चलते नहीं और फिर हम चाहते कि उसका हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, आशीष नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी आशीष? वो वचन आपके जीवन में है नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। छठा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने किया, यानी कि जब वो परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन पर चले, उसकी आज्ञा पर चले, तो इतनी मछलियां आ गई कि आज तक पतरस ने नहीं देखी होंगी, क्योंकि वो जाल इतना बड़ा लाया ही नहीं था, यानी कि वो अपने घर से जाल छोटा ही लाता था, क्योंकि छोटी मछलियां आती होंगी। प्रेज द लॉर्ड। इतनी मछलियां आ गई कि उसका जाल फटने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु बहुतायत का परमेश्वर है, बहुतायत का। आप मांग कर देखिए, आप मांगेंगे परमेश्वर
मुझे एक दिन की रोटी दे, वो 10 दिन का राशन देगा। वो राजाओं का राजा है। हम मांगने से पहले ये सोचिए, हम मांग किससे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका रिश्ता, अगर आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे के लिए कहेंगे, नहीं मेरे बच्चे को प्रधानमंत्री जी चपरासी रखवा दीजिए कहीं? आप उससे चपरासी की उम्मीद करेंगे? चपरासी आप किसको जानते हैं? प्रधानमंत्री को। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उम्मीद होनी चाहिए किसी देश का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दो मेरे बच्चे को। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप पिता को जानते हैं यार, वो परमेश्वर आपके साथ है और वो कहता है कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बचाकर तेरी महिमा करूंगा। इसलिए संकट में आनंद मनाइए कि प्रभु मेरे साथ है। घबराइए मत संकट में। आपका पड़ोसी आए और देखे, अरे भैया क्या हुआ, तुम्हारा धंधा बंद हो गया, हमने सुना, हम तो अफसोस करने के लिए आए थे और आप हंस रहे हो। कहते अरे यीशु मेरे साथ आ गया, अभी तो उसका वादा है क्योंकि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। धन्यवाद मेरे जीवन में संकट आया। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 71, भजन संहिता 119 का 71, धन्यवाद कि मेरे जीवन में संकट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कहता है 71? मुझे तो दुख हुआ, वह मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। भजन संहिता 119 का 71, मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ ताकि मैं तेरे करीब आया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद मेरी बीमारी तुझे अरे प्रभु के चरणों में लेकर आई। हालेलुया। मेरे दुख ने तुझसे मेरी भेंट करवाई, धन्यवाद उस दुख को दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलिए, आपके जीवन को देखने का नजरिया। इसलिए वो कहता है आप क्यों डरते हैं। भजन संहिता 127 का तीसरा पढ़िए, अंतिम वचन देता हूं मैं आपको, तीसरा। देखो लड़के यहोवा के लिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। यानी कि बच्चे जो आपको मिलते हैं वो किसका प्रतिफल है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपकी इच्छा से नहीं होता, आप जब चाहेंगे आपका बच्चा होगा, नहीं होगा। तो यानी कि ये जो फल है वो कौन है? परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। यानी कि किसने आपको बच्चा दिया? तो बच्चा किसका हुआ? हम उसे अपना समझते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है, परमेश्वर हमें बच्चा क्यों देता है? उसका दान है। क्या लिखा हुआ है? देखो लड़के युवा के लिए हुए भाग है, भाग है, उसका भाग है ये। मेरी बाइबल में लिखा है उसका दान है। जिस दिन बच्चा आपके जीवन में आता है उस दिन आप परमेश्वर का ज्ञान उसे देना शुरू कर दीजिए। आप संसार का ज्ञान देते हैं, ये मेरा चाचा, ये तेरा फूफा, ये तेरी मामी, ये तेरी चाची, वो देख अच्छी नहीं है, वो जब तुझे उठाएगी तो रोना, मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसे वो ज्ञान देते हैं जो आपके पास है नहीं। इसीलिए जब आपका बच्चा बड़ा होता है आप डरते हैं कि मेरा बच्चा गलत संगति में ना जाए। अरे वो मेरा लड़का उससे बात कर रहा था यार, वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने प्रभु का ज्ञान नहीं दिया उसे। आप प्रभु का ज्ञान उसे देखिए, फिर आपको घमंड करेगा। क्या वो लड़का उससे बात करे जिसको शराब पीना है? अब उस लड़के की शराब छूट जाएगी क्योंकि मेरा बेटा उसके साथ है। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने बच्चे को प्रभु का बच्चा माना ही नहीं। प्रभु का ज्ञान दीजिए उसे, उसे बताइए कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी मां यहोवा है। जैसे हन्ना ने किया था शमूएल को, वो 3 साल तक उसको दूध पिलाती रही। इसलिए बाइबल कहती है जब वो उसने मंदिर में उसको शमूएल को छोड़ा, शमूएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा
और हर बार एपोत का कपड़ा लेके आती थी हन्ना अपने बच्चे के लिए, कोई खिलौना लेकर नहीं आती थी, मिठाई लेकर नहीं आती थी, उसने कोई जन्मदिन नहीं बनाया उसका, उसने बताया कि तेरा पिता यहोवा है। आपको देखना है कि आपका बच्चा यहोवा को जानता है कि नहीं जानता है। आजकल आपका बच्चा नहीं जानता है। आपका बच्चा क्यों जा रहा है गलत, क्यों वो बुद्धि काम नहीं कर रही है। चर्च में बच्चों को लाना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा अगर बेचारे बच्चे इधर उधर मस्ती करते हैं आप उनको संभालिए, लेकिन उन बच्चों के अंदर प्रभु का वचन जाना जरूरी है, यीशु का नाम जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चों के अंदर यीशु मसीह का नाम जा रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा आपका बच्चा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो चेंज हो रहा है, परमेश्वर का भय उसमें आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल है, ये बाइबल की शिक्षा है मेरी बहन, और इसके अनुसार हम चलेंगे तो ही जीवन प्राप्त करेंगे, तो ही आशीष प्राप्त करेंगे, तो ही सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारी सुरक्षा परमेश्वर है, इसलिए हमारी रोटी यीशु है, इसलिए जो हम वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत आशीष हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, बोलिए यीशु मसीह की।